गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी के लिए? हेलो अपने अपने माइक्स को हेलो, म्यूट कर देंगे प्लीज सभी। ले लिया ना करना टेस्ट कराई है। टेस्ट के 9 बजे, 9:30 बजे बाद ही होने ना, क्योंकि तब ही होना निशांत, चाहिए। आपका माइक ऑन है, ध्यान रखा करें जब भी आप क्लास को ज्वाइन करते हैं। चलिए तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। टॉपिक हमारा स्टार्ट किया था हमने संधि, संधि के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने जो है वो स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, स्वर संधि की हमने सारी चीजें क्लियर कर ली हैं। इसमें हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्ति संधि, यण संधि और अयादि संधि सभी के बारे में जो है वो अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को उसके बारे में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो अभी बोल दे, मैं यहीं पर आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। बताइए, किसी को अगर कोई डाउट है तो वो यहीं पर बता दो, मैं क्लियर कर दूंगी, और नहीं तो हम आज आगे नेक्स्ट संधि को स्टार्ट करेंगे। आज हम करेंगे नेक्स्ट संधि जो हमारे पास आती है स्वर संधि के बाद, वो है व्यंजन संधि। ठीक है, आज की संधि है व्यंजन संधि। जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास करवाई थी तो फर्स्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि व्यंजन संधि की पहचान क्या होती है। इसमें हमारे पास जैसे स्वर संधि के समय पर हमारे पास जमा से पहले भी स्वर और जमा के बाद भी स्वर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन व्यंजन संधि में हमारे पास जो है वो जमा से पहले व्यंजन होगा और इसके बाद स्वर या फिर व्यंजन कोई भी हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है, और ये जो व्यंजन संधि है इसमें हमारे पास हलंत प्रयोग में लाया जाता है। क्या प्रयोग में लाया जाता है? हलंत प्रयोग में लाया जाता है। व्यंजन जमा स्वर और व्यंजन यहाँ पर होना जरूरी है। मैं एक बेसिक एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे देती हूँ। जैसे हम पढ़ते हैं हमारे पास है जैसे सत जमा जन, ये पूरा क्या बन जाता है हमारे पास, सज्जन बन जाएगा। ये मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये सज्जन बन जाता है। ठीक है, वैसे ही आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक जमा ईश, ये क्या बन जाएगा, वागीश बन जाएगा। ये भी बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा। ठीक है, ये मैं व्यंजन संधि की इस डेफिनेशन को आप लोगों को क्लियर करने के लिए इन दो एग्जांपल्स को बता रही हूँ। आप देखोगे यहाँ पर भी आपके पास व्यंजन है, यहाँ पर भी व्यंजन है। इसके आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर व्यंजन है और यहाँ पर क्या है, स्वर लगा हुआ है। यही मैंने आपको यहाँ पर बताया कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन हो तो वो कौन सी संधि कहलाती है, व्यंजन संधि। पहचान क्या है, यहाँ पर हलंत लगता है व्यंजन संधि में। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को पता चल गया होगा कि हम कैसे व्यंजन संधि को पहचानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो है संधि के, यहाँ पर जो व्यंजन संधि है इसके कुछ नियम होते हैं। नियमों का मतलब क्या है कि अब देखिए, जैसे आपके पास वर्णमाला आती है, यानी कि यहाँ पर मैं आपके पास जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, आप सभी को पता होगा स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, जो क से लेकर म तक आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ जो है वो स्पर्श व्यंजनों को लिख रही हूं। आप सभी को वर्णमाला के समय पर भी मैंने ये करवाए थे, तो ये हमारे कुछ स्पर्श व्यंजन होंगे, अ प ब भ म, ये रहे आपके पास स्पर्श व्यंजन। यहाँ इनकी टोटल संख्या 25 होती है, ये मैंने आपको वर्णमाला के समय पर करवाया। ठीक है, अब देखेंगे जो इसका फर्स्ट रूल है वो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि यहाँ पर आपके पास पहले का तीसरे में परिवर्तन करना है। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है कि हमें पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन करना है। ठीक है, एक का तीन बनाना है, बोलने का मतलब ये है यहाँ पर कि एक का क्या कर देना है, तीन बना देना है। और ये कब बनेगा, जब आपके पास जो है वो संधि विच्छेद करके कोई चीज आएगी। ठीक है, याद रखना है, जैसे इसी एग्जाम्पल में हमारे पास ये फिट बैठता है, मान लो आ जाता है वाक जमा
ईश, ठीक है। तो यहां पर हमने इसका क्या करना है, पहले जो क है क का क्या बना देना है, ग, इसीलिए बाघ हो गया, बड़ी ई है तो यहाँ पर बड़ी ई लग जाएगी और श लग जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वागीश आ जाए, है ना, वागीश आ जाए, यहाँ पर आप देखो कि ग लगा हुआ है, तो इसी ग का यानी कि तीसरे का अगर आपके पास संधि विच्छेद करके कोई चीज है, तब आप पहले का तीसरे में परिवर्तन करोगे। अगर आपके पास तीसरा ऑलरेडी यानी कि ग प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो आप इसको उल्टा कर लोगे यानी कि तीसरे का पहले में परिवर्तन कर लोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि पहले का तीसरा या फिर तीसरे का पहला आपने चेंज यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे कि एक रूल हम ये भी देखते हैं कि हम का य में भी परिवर्तन करते हैं यानी कि पहले का पांचवे में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने पहले का तीसरे में परिवर्तन करना है या पहले का पांचवे में परिवर्तन करना है। आ सकता है ना ये क्वेश्चन आपके माइंड में कि कैसे किसको परिवर्तन करना। तो देखिए आपने ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ण के पहले, जो आपका ये वाला जो किसी भी वर्ण के पहले वर्ण का, ये जो जितने भी ये पहले पहले वर्ण है, अगर इनका मेल किसी स्वर के साथ हो या फिर किसी वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण के साथ हो, ये ध्यान रखना है आपने, किसी भी स्वर के साथ हो या इनके जो है वो तीसरे या फिर चौथे वर्ण के साथ हो। तीसरा वर्ण और चौथे वर्ण का क्या मतलब हुआ? तीसरे वर्ण का मतलब है जो भी ये यहाँ पे तीसरा है, यानी कि ग, ज, ड, द और ब, ठीक है। और चौथे वर्ण का मतलब हुआ घ, झ, ध, ध और भ, जो यहाँ पर चौथा वर्ण हुआ। तो तीसरे वर्ण और चौथे वर्ण के साथ इसका मेल हो। साथ में ये रूल है आपके पास, पहला ये होनी चाहिए, दूसरी ये बात बताई, तीसरी ये बात बताई, और चौथी आपके पास है अगर आपके पास अंतस्थ व्यंजन हो। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर जो है वो क्या हो जाए, अंतस्थ व्यंजन हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर आपका मेल अंतस्थ व्यंजन के किसी वर्ण से होने पर हम क्या करेंगे, जो वर्ण है पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा उसका, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ, आपका फर्स्ट रूल क्या कहता है कि आपको जो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है उसका तीसरे में परिवर्तन कब करना है, जब आपके पास यहाँ पर किसी भी वर्ण का जो पहला, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इन्हीं में से कोई होगा, क होगा, च होगा, ट होगा, त होगा, प होगा, लेकिन जो इसका मेल है वो या तो किसी स्वर के साथ हो, या तो आपके पास जो है ए तीसरे वर्ण के साथ हो, या फिर चौथे वर्ण के साथ हो, या अंतस्थ व्यंजन के साथ यानी कि य, र, ल, व के साथ हो, तो आप क्या करोगे, पहले का तीसरे में परिवर्तन करोगे। तो यहाँ पर वाक जमा ईश था तो ये स्वर था, इसीलिए इसका हमने तीसरे में परिवर्तन कर दिया और ये क्या बन गया, वागीश बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? करें एग्जाम्पल डिस्कस, आप मुझे बताइए जरा, यहां तक जो मैंने आपको बताया वो बात पता चली, समझ में आई बात, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? व्यंजन संधि का पहला रूल आप सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? जितने भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है पता चल रहा है कि नहीं? फटाफट से हैशटैग सेंड करिए अगर बात समझ में आ गई। ओके चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, देन एक बार रिपीट करना है। ओके रोहित, ठीक है। मैंने कहा आपको कि आपको पहले का ये जो यहाँ पे लिखा है, पहले आप रूल लिख सकते हो यहाँ पे, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, आप ऐसे लिख सकते हो, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तीसरे में परिवर्तन कब करना है, जब आपके पास इस पहले वर्ण के बाद यहाँ पर अगर स्वर हो, तब कोई भी स्वर, अ से लेकर अ तक के कोई भी अगर आपके पास स्वर हो, तब
या फिर आपके पास तीसरा वर्ण हो, जो ये तीसरे वर्ण है हर एक वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी कि ग ज ड द और ब, चौथा वर्ण घ ज ध ध और भ, उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन हो, ठीक है, य र ल व, इनमें से कोई भी होगा तो आप पहले का तीसरे में परिवर्तन कर दोगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल इसके करवाती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले का तीसरे में हमने जो है वो परिवर्तन करना है, और कुछ नहीं करना है। जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल, यहां पर है षड रिपु, ठीक है, यहां पर है षड रिपु। आप यहां पर देखोगे ड और र दोनों साथ में लगे हैं, ड और री लगे हुए हैं, षड रिपु बन रहा है ये। अगर अलग अलग लिखना हो तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ड और र दो चीजें दी हुई हैं आपको, ठीक है, लेकिन ऐसे लिखा जाता है इसे। तो षड रिपु में आप देखोगे कि ड लगा हुआ है, तो ड कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि अगर संधि विच्छेद करके दिया होता जैसे वाक जमा ईश, तो आपने यहां से यहाँ को परिवर्तन कर लेना था, लेकिन अब ये पूरा शब्द है तो आप यहां से इसको उल्टा कर दो, ठीक है। तो षड रिपु में ड का चेंज किस में हो जाएगा, यहां से आप रिवर्स जाओगे, ऐसे तो आपको संधि विच्छेद होता तो ड का ड बनाते, लेकिन यहाँ ड ऑलरेडी दिया हुआ है तो ड से आपको ट बनाना है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, षट जमा रिपु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, षट जमा रिपु बन जाएगा, और षट में हलंत हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, और आगे ये जो है री की मात्रा को लेके चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो षट जमा रिपु क्या हो गया, षट रिपु हो गया, ठीक है। आई होप आप सभी को जो है ये वाला रूल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे आपके पास है क्वेश्चन अप जमा ज, क्या होगा इसका संधि विच्छेद को जब हम इकट्ठा करेंगे, इसकी संधि क्या हो जाएगी, अप जमा ज जो है वो क्या हो जाएगी संधि, बताइए। अप जमा ज है आपके पास, यहां पर आपको अगर प दिया हुआ है, यानी कि आपके सामने ये है प, तो आपको इसका तीसरे में चेंज करना है, तो क्या बनेगा बताइए फटाफट से। जो शब्द आधा है उसको जब हम आगे चेंज करेंगे तब भी वो आधा ही रहेगा, अवज बन जाएगा। वेरी गुड ललिता, यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखिए अ तो लिखा, प का व में चेंज करना है, लेकिन ये आधा है तो आगे भी आपके पास आधा रहेगा। अब हम जब इकट्ठा शब्द लिखते हैं तब हम हलंत नहीं लगाते हैं, तो अब जो आपके पास जो है वो ऐसे बनेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, लग गया पता। नेक्स्ट आपसे मेरा क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है अच जमा अंत जो है वो क्या बनता है, अच जमा अंत है ये क्या बनेगा, अच जमा अंत जो है वो क्या बनता है इकट्ठा करके, यानी कि इसकी संधि क्या हो जाती, फटाफट से बता दो क्या बनेगी इसकी संधि। एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे देती हूँ आपको, दिक जमा अंत ये भी आपने बताना है क्या होगा, बताइए। अच जमा अंत और दिक जमा अंत, अजंत बन जाएगा अच जमा अंत। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने, अच जमा अंत क्या हो जाएगा, अजंत हो जाएगा। इस च का हमने ज में परिवर्तन किया, और दिक जमा अंत क्या हो जाएगा, दिगंत हो जाएगा। यहां पर क का चेंज हमने ग में कर दिया तो क्या बन गया, वो दिगंत बन गया, ठीक है। सबको क्लियर हो गई सारी चीजें, बिल्कुल दिगंत हो जाएगा, ठीक। ये थी आपकी फर्स्ट संधि, और जिसमें हमने फर्स्ट रूल देखा व्यंजन संधि का, कि हम पहले का तीसरे में परिवर्तन करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जो यहां पर पहला है ना वर्ण, इसी का हम चेंज करेंगे, लेकिन अब किसमें करेंगे, पांचवे में चेंज करेंगे, ठीक है। पहले वर्ण का किसमें चेंज करेंगे, पांचवे वर्ण में चेंज करेंगे, ठीक है। वो कब, जब संधि विच्छेद किया हुआ होगा ऑलरेडी, तब करोगे आप इसमें ऐसे चेंज। अगर संधि विच्छेद किया हुआ नहीं है, आपको उसका शब्द बताना है, तब आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो। बेसिक रूल ये है आपके पास वैसे, ठीक है। सेकंड रूल कहता है, अब देखिए यहां पर, अब हम इसको तीसरे में ना करके किसमें चेंज कर देंगे, पांचवे में चेंज कर देंगे, पांचवे में हर एक को पांचवे में चेंज
ठीक है, ये हो गया आपको पांचवे में परिवर्तन करना है। ठीक है, अब पांचवे में परिवर्तन करने का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, वाक जमा मय। वाक जमा मय, ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको इस क का चेंज किस में करना है, य में करना है। अब पहले का पांचवे में परिवर्तन होगा तो कैसे लिखा जाएगा, ये वांगमय बन जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा और हलंत लग जाएगा साथ में, तो वांगमय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हलंत है ना, तो इस पे भी हलंत होगा और आगे बन गया वांगमय। तो पहले का पांचवे में हमने परिवर्तन कर दिया, यहाँ पर इस तरीके से ये संधि बनेगी। तो क्या अब इसको भी हर एक तरीके से हम पांचवे में चेंज कर देंगे? नहीं। इसमें क्या होगा, आप देखोगे किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण है, इनमें से किसी भी वर्ग का जो भी पहला वर्ण होगा, उसका मेल जब हमारे पास किसी भी किसके साथ होगा, यहाँ पर दो ही चीजें देखनी है, जो पिछला था उसमें बहुत सी चीजें थी, स्वर था, तीसरा वर्ग था, चौथा वर्ग था, है ना, और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन था। यहाँ पर आपके पास किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का अगर यहाँ पर मेल जो है वो न और म के साथ हो, तो ये हमारे पास किसमें चेंज हो जाएगा, पांचवे में चेंज हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, क च ट त और प, अगर इनका मेल न और म से हो तो आप यहाँ पर इसको जो है वो पहले से पांचवे में परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है, पहले का पांचवे में यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हो। ठीक, समझ में आ गई ये वाली चीज, पहले का पांचवे में यहाँ पर न और म हो तब, केवल यही दो चीजें होनी चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास आ गया क्वेश्चन, मान लो शट जमा मुख, करिए संधि विच्छेद फटाफट से, क्वेश्चन आ गया शट जमा मुख। अब यहाँ पर ट है, ठीक है, और उसके बाद आगे म है, यही बोला था हमने, न और म होगा, तो इसका परिवर्तन किस में होगा, फटाफट से बता दो किस में इसका परिवर्तन करेंगे, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे देती हूँ, तत जमा मय होगा तो क्या करेंगे, बताइए, शाबाश, शनमुख हो जाएगा, वेरी गुड, शट जमा मुख क्या हो जाएगा, शनमुख हो जाएगा। ठीक है, शट, अब देखिए ट था, ट का चेंज किस में करेंगे, न में, लेकिन आता है तो आधा ही लिखना पड़ेगा, शनमुख। ठीक है, नेक्स्ट तत जमा मय, तो यहां पर त है, आगे क्या है, न है, तो क्या लिखना पड़ेगा, आधा न लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा तन्मय, हो जाएगा तन्मय, बिल्कुल सही, सही आंसर आ रहा है सबका। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आपके पास है जगत जमा नाथ, क्या होगा इसका संधि विच्छेद, आपका क्वेश्चन है जगत जमा नाथ, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट से, जगत जमा नाथ का हो जाएगा जगन्नाथ हो जाएगा, वेरी गुड, जगत जमा नाथ का संधि विच्छेद हो जाएगा जगन्नाथ हो जाएगा। ठीक है, जगत प्लस नाथ हो जाएगा जगन्नाथ, त का हम न में परिवर्तन करेंगे और यहाँ पर इस त का आधा न बन गया, इसीलिए ये जगन्नाथ हो गया। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये आपके पास सेकंड रूल भी कंप्लीट हो गया। हमने क्या पढ़ा कि हमें पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन करना है और पहले का पांचवें वर्ण में परिवर्तन करना है, दो रूल्स आपके पास हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें किस पे अप्लाई होंगी, अगर इस तरीके से संधि विच्छेद की हुई चीजें दी हैं तभी ये रूल अप्लाई होंगे, अगर ये वाली संधि आपके पास दी हुई है, इनका संधि विच्छेद करने को अगर आपको आता है तो आपने इसी चीज को उल्टा कर देना है। जैसे यहाँ पर न था तो आपको देखना है कि न से पहला वाला ट है, तो आपने यहाँ पे शट जमा मुख कर लेना है, जैसे न है तो आपने यहाँ पर त लगाना है, तत जमा मय होगा, यहाँ पर भी न है तो आपने अगेन जो है जगत प्लस नाथ करना है। ठीक है, यहाँ पर य है तो आपने जो है वो क कर देना है, वाक प्लस मय कर देना है, यानी कि आप इसी पूरी प्रोसेस को क्या कर दोगे, उल्टा कर दो। ठीक है, बोलिए फटाफट से, हैशटैग सेंड करिए अगर सेकंड रूल भी आप लोगों को क्लियर हो गया, अगर स्पीड ज्यादा लग रही है किसी को तो वो बता सकते हैं, मैं स्लो कर दूंगी। पहले ये बताइए कि क्लियर हुआ कि नहीं, ओके,
चलिए अब हम जो है एक नेक्स्ट रूल कर लेते हैं और तीन ही रूल हम आज करेंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है, अब हम पढ़ेंगे छह संबंधी नियम। इसमें संबंधित होते हैं नियम एक दूसरे से, ठीक है। अब ये यहाँ पे स्पष्ट व्यंजनों का जो हमारा खेल था वो दो नियमों में ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट व्यंजन संधि ही हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे छह संबंधी नियम। छह संबंधी नियम का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो छह है उसका हम कुछ देखेंगे कि आपने किसी को छह में चेंज करना है या छह का किचन में परिवर्तन करना है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको सबसे पहले देती हूँ फिर उसको समझाती हूँ। जैसे आपके पास है एग्जाम्पल है स्व जमा छंद, है ना। जितने भी आपको रूल लिखवाते हैं वो सभी रूल जो है इस संधि विच्छेद के ऊपर अप्लाई होते हैं, फिर आपको उसके बाद जो है दूसरी चीज अप्लाई करनी होती है। जब भी आपके पास यहाँ पर आप देख रहे हो स्व जमा छंद यानी कि व लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ हलंत क्यों नहीं है, क्योंकि आपको व्यंजन को शो करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर स्व जमा छंद है आपके पास शब्द, तो किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर आप देखोगे ना, अगर मान लो मैंने यहाँ पर हलंत लगाया होता ऐसे, तो ये हमारे पास क्या होता, व्यंजन होता व, है ना। ये आधा व था यानी कि व्यंजन होता, लेकिन इस समय आपके पास यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या लगा हुआ है, जो आपका स्वर है यहाँ पर क्या है, स्वर है यहाँ पर। मैक्सिमम संधियों में कहा मैंने आपको कि व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो छह संबंधी नियम है, अगर आपका जो स्वर का मेल जो है वो किसके साथ हो जाए, छ के साथ हो जाए, ठीक है। अगर स्वर का मेल जो है वो छ के साथ हो जाए तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इस छ से पहले च को जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा, स्वच्छंद बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, स्वच्छंद बन जाएगा किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल अगर इसके छ के साथ हो जाए, ठीक है। स्वर है यहाँ पर, लेकिन कौन से स्वर की बात की है, ह्रस्व स्वर की बात की है, यानी कि अगर यहाँ पर अ होगा, ई होगा, उ होगा, या ह्रस्व स्वर के साथ आपको बोला कि अगर आ भी हो, ये दीर्घ स्वर में आता है, आ हमारा दीर्घ स्वर में आता है, तो इस ह्रस्व स्वर या आ का मेल जब भी आपका छ के साथ हो तो आप छ से पहले क्या जोड़ दोगे, च जोड़ दोगे, ये याद रख, ठीक है। ये तो थी रूल की बात, जब भी आपके पास रूल आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन एक इसका छ का रूल इतना ही कहता है, आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको कभी यहाँ पे छ दिख जाए ना, तो आपने इससे पहले च जोड़ देना है जब भी आपको किसी एग्जाम्पल में दिखे। मान लो मैं कहती हूँ आपको, आपके पास है परिजमा छेद एग्जाम्पल, अगेन आप देखोगे छ दिख रहा है, यानी कि छ संबंधी नियम है, वहां पर च जोड़ा जाता है, तो क्या बन जाएगा, परिच्छेद बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपके पास अनुजमा छेद है, अगेन हमें छ दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, च जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अनुच्छेद बन जाएगा। वैसे ही हमारे पास वी जमा छेद है, तो आगे आपको छ दिख रहा है, तो यहाँ पर च जोड़ देंगे इससे पहले, बन जाएगा विच्छेद, ठीक है। रूल की बात करें तो यहाँ पर छोटी ई आ रहा था, यहाँ छोटा उ आ रहा था, यहाँ छोटी ई आ रहा था, ठीक है। बात समझ में आ गई, इन तीनों के अकॉर्डिंग आपका रूल भी अप्लाई होता है और आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब देखो ये तो थी संधि विच्छेद वाली चीज, लेकिन अगर डायरेक्ट आपके पास ये स्वच्छंद शब्द आ जाता तो क्या करना था। तो अब अगर संधि विच्छेद है तब तो रूल ये अप्लाई होगा कि ह्रस्व स्वर है उसके बाद आपको जो है वो छ के साथ मेल है तो च जोड़ देना है। अगर ऐसे है तो आपने क्या करना है, आपको पता है स्वच्छंद है यानी कि छ वाला नियम हम पढ़ रहे हैं, इसमें छ वाला नियम आ रहा है, तो आपने इस च को वहां से हटा देना है। तो स्व जमा छंद यहाँ से च हटा दिया, परिजमा छेद यहाँ से च हटा दिया, अनुजमा छेद यहाँ से च हटा दिया, तो बच गया वी जमा छेद। बात समझ में आ गई, तीन की तीन संधियां किसको समझ में आ गई जितनी हमने अभी तक की है। अगर सभी को समझ में आ गई है तो थम्स अप या फिर हैशटैग सेंड करेंगे फटाफट से, थम्स अप या हैशटैग सेंड करेंगे सभी फटाफट से। अगर यहां तक सभी को चीजें समझ में आ गई है तो ओके, वेरी गुड। दीपिका, हरिप्रिया, शालिनी,
अनीता, सुनीता और मंजिदा। ओके, सुलक्षणा। चलिए, वेरी गुड। सभी को अगर अच्छे से समझ में आ गई है, अब हम करेंगे इस क्लास को यहीं पर एंड। ओके, थैंक यू।